मेरी गर्लफ्रेंड है ना सिमू, उसकी छोटी सिस्टर है। थोड़ा दिमाग खराब हो गया, दसो पहले मिकी। ओ वो जिन्हें सिमू का फोन आया है ना, ऐसा ही बोले। हां तू सी हाले तक भी गल कर ले जगन सुनाए मिकी पहले। ये पुराना रिश्ता करना तो सारा सिस्टम जर होगा अपना पुराना। मैं तेरी मैं सुनी है ये फालतू करना जो करना है। अच्छा बेटा, सो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। होप आप सभी ठीक होंगे दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। मतलब अभी जो है ना, मैं अभी कबाड़ लेके वगैरह परे रख के सामान, थोड़ा सामान था वो मैं अभी रख के ना, मतलब परे रख के आ चुका हूँ। तो आज का जो प्रैंक बड़ा तगड़ा होने वाला है, मे भी आज तक ये प्रैंक जो है वो किसी ने किया हो, तो मैं अभी अपनी वाइफ के ऊपर आज प्रैंक करूँगा। आपको ऐसे नहीं बताऊँगा जब तक मतलब आप प्रॉपर देख नहीं लोगे ना वीडियो पूरी, तो वीडियो को स्किप मत करना, मजा आने वाला है आज। धीरे इसलिए बोल रहा हूँ, मैं घर पहुँच चुका हूँ, तो चलते हैं प्रैंक करते हैं वाइफ के ऊपर। इतना तगड़े वाला प्रैंक होगा ना, अभी खुश हो जाएगा, अल्टीमेट वाला प्रैंक है। सीधा चलता हूँ घर की तरफ। सुनिए, कह रही हो ना, अरे एक काम है तेरे ने, एक हैप्पी बस एक रिश्ता है, तू काम ले करना। चल तू फ्री होंगी, चल ना। तो चल आ फिर जरा, कर लिए मम्मी होना कह लेने गल, दिख लेने अगर सही लगा तो कर लेंगे फिर, कोई नहीं है ना, करने तय नहीं होना। हाँ तो चल आ फिर तू कमरे ना। दोस्तों अभी जो अपने रूम में आ चुका हूँ मैं, तो अभी सोनिया को मैंने बोल दिया अंदर आने के लिए, वो तो थोड़ी देर में अंदर आएगी ना। तो अब मतलब कैमरा कर देता हूँ सेट, अपना गोप्रो वो छोटा सा बिल्कुल उसको सेट करता हूँ। फोन तो कर नहीं सकता सेट, वो दिख जाएगा, तो करता हूँ काम। आज मतलब ऐसा ना हो कि कहीं पंगा पड़ जाए, क्योंकि पहले भी मेरे को ये जो परे मेरे प्रैंक किया था गर्लफ्रेंड वाला, उस पर मेरे को पंगा पड़ा था। तो क्या रिएक्शन होगा देखते हैं, आती है वो फिर देखते हैं सीधा। दोस्तों मैंने जो है वो कैमरा भी जो है वो सेट कर लिया है, तो अभी सोनिया भी मैं भी फ्री होगी। मैं अंदर गया था किचन में कैमरा सेट करके, तो फ्री होगी, मैं उसको अभी दोबारा आवाज़ मारता हूँ तो वो आएगी जैसे अंदर, तो देखते हैं करते हैं काम। और मतलब तगड़ा प्रैंक हो रहा है, वीडियो को लास्ट तक देखा हमें दोस्तों, और लाइक कर दिया करो यार, प्लीज रिक्वेस्ट है यार आप लोगों से। सोनिया सोनिया, हाँ अड़ी कर ले, गल कर लेने, फिर उन्हें जवाब भी देना ना। अम्मी और पूछा तो अम्मी होंगे घर, तो गल कर लेंगे ना अम्मी उन्हें, अच्छा दिख लेंगे ना हिसाब किताब। कुछ दिन है तो चलो इतने लोकल ही ना, मतलब है 25-30 किलोमीटर, पर मतलब गल है ना, मतलब बंदे अच्छे होने चाहिए, मेन गल ये बंदे अच्छे नहीं, क्योंकि मैं उन्हें जानना, मतलब स्कूल टाइम का शायद मैं उन्हें जाना ना, स्कूल टाइम भी थी बाप थोड़े, मतलब बड़े पहले बाकव है मेरे, ओ मैं मतलब जो पढ़ता हूँ ना, तो वो मेरे बाकव है। तू दिखी लिया के मतलब पता क्या, मतलब एक बार सारे पता होगा ना, ताई मजा आउंदा। हुन क्या दसा, देखी कुड़ी अच्छा ने मतलब देखो इच देखो पता, पास्ट हर खुशी दंदा, मैं नीचे वो करता हर खुशी दंदा, हां बोल दे। पर कुड़ी जड़ी है ना, से जेड़ी मेरी गर्लफ्रेंड है ना सिमू, ओदी छोटी सिस्टर है। थोड़ा दिमाग खराब हो गया, दसो पहले मिकी कजो अपनी गर्लफ्रेंड दी भैन रिश्ते ले आने करे तुसी, तो उच्च की गलत है कुड़ी नहीं है जारी, तां कुड़ी है तां के होया था, मतलब हुन करे कर लेने दे रिश्ते आ, तो इच के होई आ, इच के होई आ, इच के ठीक है, दसो मिकी पहले मरी कुड़ी अच्छी आयो रे मां, कुड़ी अच्छी है दुनिया में, तो अपनी गर्लफ्रेंड दी भैन को ज्यादा अच्छी होन ना, ओसे में जानना ना, हां पता कि ओही देख नहीं रोनी कोई ना, मैं उच उच के आना हरिना रिश्तेदारी बदनी नहीं, ठीक है बता देंगे रिश्तेदारी बता देंगे, ठीक है वो मेरी बात का बहन लोकल बहन है, कोई गल नहीं अहीं दूर भी कर लेंगे, ठीक है अहीं नहीं करना उसे रिश्ता बस, बड़े तो ही आई है तो की दे बच्चे, तुझे अपना फायदा सोचने ना, मिकी मेरा क्या फायदा, हाँ तू ही सोचना है कि उसकी भैन बैठ जानी कल ही उन्नी बहना जाना साढ़े घरे थोड़े से अपने हो जाना है ना, गल नहीं करता जिन्ना फोन दिते रुक
ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਰੁਕੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਤੋ ਕੀ ਫੋਨ ਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਭੈਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪਊਗਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੀ ਆਦੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈਪੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਘਰੇ ਨੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਅੱਜ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਭੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿੰਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸੇ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਨਾ ਤੋਰ ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਤੋਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਫੋਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈ ਪਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁਦਾ ਇਸ ਤਰੀ ਚਲੇ ਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਕੋ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਇਹ ਗਲਤ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰੀ ਹਮੇ ਕੀ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਮੰਮੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬੜੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਖੋਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੋ ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੈਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਣ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਭਈ ਇਹ ਲੈਣੇ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਨਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਅੜੀਏ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗਾ ਪਹਿਪਾ ਮਾਰੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦਿਖੀ ਦਿਖੀ ਫਿਰ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਨਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਮਤ ਜਲਦੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਸਕਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਲਿਆਣੇ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਇਕੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੈਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੀ ਤਾਂ ਲੈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੜੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਗੁਣ ਬੀ ਤਾਂ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੜੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਬੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਅੱਛੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਐਕਟਿੰਗ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੀ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਚ ਜਾ ਸਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੈਸੇ ਕਰਨੀ ਇਹ ਆਇਆ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਐਕਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਈ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਚ ਜੈਸੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਤੋ ਕਿ ਰੱਖਣਾ ਐਕਟਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਡਮ ਡਮ ਹੋਈ ਗਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋੜਾ ਜੋ ਲੋੜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਫਰੀ ਬਣੀ ਇਹਦੇ ਬੇਵਕੂਫਾ ਜੀ ਤੋ ਕੀ ਕੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਿਓ ਮੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਮ ਅਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 100 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਲਈਏ ਬਈ ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਏ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਣੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਜੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਹੀ ਬੋਲ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਐਸੀ ਆਉਣੀ ਨਾ ਆਟੋ ਪਿੱਛੇ दोस्तों आज जो वो इसका बेवकूफ बन चुका है मतलब इसको जरा सा भी शक नहीं हुआ आज पहले इसको लगता था कहीं ना कहीं प्रैंक कर रहा हूँ लेकिन आज इसको इतना सा भी शक नहीं हुआ मतलब सही बात है यार दोस्तों तो अगर वीडियो यहाँ तक देख ली अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय।